जैन साथियों, भारतीय जनता पार्टी और संघ की मानसिकता का खुलासा करने के बाद आज पहली बार भागवत जी सफाई देने के लिए मैदान में उतरे हैं। बार बार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान माना जाता है, लेकिन भाजपा में भागवत जी का संविधान माना जाता है। और भागवत जी का संविधान क्या कहता है? भागवत जी का संविधान कहता है देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी क्या कहते हैं? 50 साल तक देश में राज करेंगे, यानी कि चुनाव खत्म होगा। 400 सीट चाहिए, अरुण गोविल जी कहते हैं 400 सीट चाहिए, मोदी जी कहते हैं 400 सीट चाहिए, लल्लू सिंह जी कहते हैं, ज्योति मिर्धा कहती हैं, अनंत हेगड़े कहते हैं। क्यों? कहते हैं संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीट दे दो। मेरे मुंह से 4 सीट निकल गया। हो सकता है हकीकत में आप यही कर दें, लेकिन 400 सीट क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि संविधान बदलना है। संविधान बदल के आरक्षण खत्म करना है, वोट खत्म करना है, देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। और ये बात मैं कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, प्रमाण है इसके। 50 साल किस फॉर्मूले के तहत राज करेंगे अमित शाह जी? क्योंकि चुनाव खत्म करना है। सूरत में चुनाव खत्म कर दिया, चंडीगढ़ में चुनाव में धांधली की। मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो, देश की कई सरकारों को तोड़फोड़ करके गिराया। महाराष्ट्र में सरकार तोड़फोड़ करके गिराया। तो पूरे देश में चुनाव खत्म कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की बात का प्रमाण आपके सामने एक मिनट में दूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम होगा विश्वविद्यालयों में, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लोगों ने आरक्षण खत्म किया। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक मारा इन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भागवत जी और इनके और नेता क्या सोचते हैं। देखिए आप, ये पहला बयान है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पत्रिका पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था क्या है। लोकतंत्र से कुछ खास उम्मीद है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक समुदाय के हित को पूरा करने में दूसरे समुदाय के हितों को नुकसान न पहुंचे। हमें सबके विकास के लिए सामूहिक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि हमारा हित व्यापक राष्ट्र हित में ही निहित है। ये मोहन भागवत जी का बयान। अब मैं जिसमें ये कह रहे हैं कि एक समुदाय के हित को करने के लिए दूसरों के हितों का ना मारा जाए, और ये कह रहे हैं व्यापक राष्ट्र हित में ही सब कुछ है, यानी कि आरक्षण व्यवस्था की खिलाफत कर रहे हैं मोहन भागवत जी, उसके संबंध में इनका ये बयान। इनके दूसरे नेता है मोहन वैद्य, आरएसएस के ये संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं आरक्षण देना अलगाववाद को बढ़ाने की प्रक्रिया होगी। ये मोहन वैद्य जी हैं, संयुक्त महासचिव हैं आरएसएस के। अब खुद मोदी जी क्या कहते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। अब ये मोदी जी कह रहे हैं कि उनके लिए 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, युवा, महिला। और इस देश में गरीबों की हालत क्या है? 82 करोड़ लोगों को तो आपने लाइन में खड़ा कर दिया। युवाओं की हालत क्या है? बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की हालत क्या है? 750 किसानों ने काले कानून के खिलाफ शहादत दी, उनको आमदनी दोगुना करना तो दूर की बात है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की हालत क्या है? आपने देखा पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, क्या हुआ हाथरस में। तो ये 4 जो जातियां अपनी बता रहे हैं, इसके लिए तो कुछ करते नहीं। ये दलील वो तब दे रहे थे जब उनसे जाति जनगणना की बात की जाती है, जब उनसे कहा जाता है देश भर में जाति जनगणना कराइए, जिससे गरीबों के, शोषितों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के हित के बारे में पता चल सके कि उनकी वास्तविक स्थिति समाज में क्या है। उसका विरोध करते हैं और आप ये देश भर को ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं प्रामाणिक तौर पर यह बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान खत्म करेगी, चुनाव को खत्म करेगी
आरक्षण को खत्म करेगी, क्योंकि देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता है, भारतीय जनता पार्टी भागवत जी के संविधान को मानती है। जागिए और देश का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, वोट की ताकत बचाने के लिए अपना वोट कीजिए।